हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की भी जो हमारी वीडियो है वो है अपनी कावासाकी निंजा 300 650 में जो ऑयल फ़िल्टर लगता है उसके बारे में। तो ये हमारा OEM ऑयल फ़िल्टर है जो कि जेन्युइन कावासाकी का। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं लॉन्ग राइड पे चले जाते हैं या कई बार हमारा ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमें जो है काम चलाने के लिए सर्विस के टाइम पे ये फ़िल्टर बदलना होता है। तो हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये फ़िल्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पहले तो इसे पर कोशिश करिए कि आप ओरिजिनली फ़िल्टर यूज़ करें कावासाकी का, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ये आप तभी यूज़ करिए जब आपके पास ओरिजिनल पार्ट नहीं है या आपने पार्ट मंगवा रखा है, टाइम लग रहा है आने में और आपको अभी रिप्लेस कराना है। क्योंकि जो ओरिजिनल पार्ट जो होता है वो गाड़ी के स्पेक्स के हिसाब से बना हुआ होता है और हम काम चलाओ पार्ट तब तक इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ बीच में हुआ था कि मैंने अपने ऑयल चेंज करना था और पार्ट यहाँ पर मिल नहीं पाया था और मैंने फ़िल्टर जो है ओपन कर दिया था, तो पार्ट आने में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि नियरेस्ट शोरूम हमारे वहाँ से जो है देहरादून या दिल्ली है, तो वहाँ से पार्ट आने में कम से कम एक वीक के आसपास या ऊपर लग रहा था। तो तब तक मैंने क्या करा, मैंने ये हुंडई i10 और आपका हुंडई सेंट्रो i20, इनमें जो फ़िल्टर लगता है ये वो ऑयल फ़िल्टर है, तो मैंने ये यूज़ करा उसके तब तक जब तक मेरा OEM फ़िल्टर नहीं आया। तो ये फ़िल्टर मैंने कम से कम 15 दिन यूज़ करा है तो इसने बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करा। और हाँ, इसका साइज़ थोड़ा सा ओरिजिनल फ़िल्टर से थोड़ा बड़ा है लेकिन आपका काम चल जाएगा। इसके थ्रेड साइज़ बिल्कुल सेम है और मैंने लगा के इसे यूज़ करा हुआ है। अगर आपके पास आपके अवेलेबिलिटी नहीं है ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर की तो आप इस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि अगर आप ओरिजिनल पार्ट ही यूज़ करें, बिकॉज़ कावासाकी एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और इसके पार्ट जो है काफ़ी हाई क्वालिटी के रहते हैं। पर आपका ये है कि अगर आपके पास काम चलाओ नहीं है ऑप्शन, कोई कहीं मिल रहा है, कहीं इमरजेंसी में आप फंस गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। कई कबार डैमेज हो जाता है फ़िल्टर या फट जाता है या लीकेज हो जाता है तो पार्ट हमें नहीं मिल पाता, तो उस कारण से आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप ये एलोफिक का या हुंडई आपकी i10 का जो है फ़िल्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये रहा इसका पार्ट नंबर EK6348 और काफ़ी सस्ता है, इसकी MRP है जो 130-140 रुपये के आसपास आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही था। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आगे भी हम आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहें। नमस्कार सभी को।